हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अध्याय 7 जो है कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग अध्याय 8 के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है, जिस चैप्टर का नाम है पंच होल पैटर्न, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अध्याय 8 जिस चैप्टर का नाम है पंच होल पैटर्न, ठीक है। पंच होल पैटर्न यानी कि इंग्लिश में लिखा गया है पंच होल पैटर्न, पंच होल पैटर्न। जैसे कि हम लोग हर चैप्टर की का पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परिचय, ठीक है। इस अध्याय के अंतर्गत कागज मोड़ने तथा कागज काटने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इस अध्याय के अंतर्गत कागज मोड़ने तथा कागज काटने से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, समझ गए ना। कागज को दो भाग में मोड़ना, चार भाग में मोड़ना, ऐसा वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने बहुत पहले किया हुआ है, ठीक है। मैंने जब हम लोग सारे क्वेश्चंस एक साथ देख रहे थे एग्जांपल के थ्रू, तो हम लोगों ने ऐसे वाले क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है जिसमें हम लोग कागज को मोड़ते हैं, फिर कट करते हैं, फिर जो डिजाइन निकलता है और फिर उसको यहाँ पे बना लेते हैं, मतलब कि चार ऑप्शन में से चुन लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में बस हमें वही पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कागज मोड़ना, इसके अंतर्गत अब दूसरा चीज जो है इसमें मेन चीज क्या लिखा गया, कागज मोड़ना तथा कागज काटने से संबंधित सवाल होते हैं, ठीक है। तो पहले आता है हमारा कागज मोड़ना, इसके अंतर्गत क्या आता है, चलो वो हम लोग जान लेते हैं। इसके अंतर्गत बाईं ओर प्रश्न चित्र तथा बाईं ओर प्रश्न चित्र रहेगा, ठीक है, तथा दाईं ओर चार उत्तर चित्र दिए गए होते हैं और दाएं तरफ चार ऑप्शंस, ठीक है। ये हमारा प्रश्न चित्र है और दाएं तरफ चार ऑप्शंस, ठीक है। प्रश्न चित्र में एक ज्यामितीय आकार जैसे त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, आयत आदि के पारदर्शी कागज को जिस पर बिंदुमय रेखाओं के एक ओर या दोनों ओर कुछ डिजाइन बने होते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इस कागज में या तो त्रिभुज या तो वर्ग या तो वृत्त, ये सब कुछ डिजाइन का कटिंग होता है, यानी कि स्क्वायर या सर्कल या फिर ट्रायंगल, ये सब कोई भी शेप का कटिंग होता है एक भाग में और दूसरे भाग तरफ क्या होगा वो हम लोगों को बताना होता है, ठीक है। और क्या करता है, एक मतलब मोड़ देता है पूरे पेज को, ठीक है। पूरे स्क्वायर पेपर है, मान लेते हैं ये स्क्वायर पेपर है, स्क्वायर पेपर को हम लोग इस तरह मोड़े फिर इस तरह मोड़ दिए, ठीक है। यानी कि मैं एक एग्जांपल आप लोग को दिखाती हूँ लेके एक पेपर, उसके बाद हो सकता है आप लोगों को याद आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर पेपर ले रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए फिलहाल के लिए इस चैप्टर में। जैसे कि ये एक स्क्वायर पेपर है हम लोगों के पास, ठीक है, ये एक स्क्वायर पेपर है हम लोगों के पास, और हम क्या कर रहे, इस क्वेश्चन में क्या किया जाता है,
स्क्वायर पेपर को चार भाग तीन भाग किसी भी तरह से मोड़ दिया जाता है, यानी कि एक बार ऐसे मोड़ दिया और दूसरा ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। और क्या किया जाता है कि इस पार्ट में या इस पार्ट में या इस पार्ट में कहीं भी कोई भी टाइप का डिजाइन कट कर दिया जाता है, और फिर हम जब पेपर को फोल्ड जो है उसको खोल के देखेंगे तो कैसा डिजाइन हमारा पूरे में बन के निकलेगा, वही हमें इन चार ऑप्शन में से चुनना होता है, राइट। और जैसे कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है ऑलरेडी, इसमें कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जब मैंने क्लास मतलब अध्याय वाइज क्लास ने स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने बताया था, तो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं, कागज के मुड़े भाग को बिंदु में दिखलाया जाता है। आपको यह ज्ञात करना होता है कि कागज को मोड़ने पर बनने वाला चित्र उत्तर चित्रों में से किस उत्तर चित्र जैसा दिखाई देगा। तो वही जो मैंने अभी कहा कि कागज को मोड़ दिए, एक पार्ट में डिजाइन कट किए, और कागज को खोल दिए, खोलने के बाद जैसा डिजाइन दिखा, इन चार ऑप्शन में से आपको चुनना होगा, जो ऑप्शन आपका मैच करेगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हल करने की विधि पे। तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। हल करने की विधि, हल करने की विधि, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा, कागज पर अंकित बिंदु में रेखा पर एक दर्पण की कल्पना करनी चाहिए तथा उसे उस आधे भाग के दर्पण प्रतिबिंब की कल्पना करनी चाहिए जिस भाग को मोड़ना हो। तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देती हूँ, मैं जो जो लिख रही हूँ ना आप लोग नोट भी कर लो, क्योंकि इसी से आपको विधि सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज होता है जिससे आपको पता चलेगा आपका क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे, ये है कागज मोड़ना वाला मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा कागज काटना अलग भाग में आ जाएगा, ठीक है। अभी कागज मोड़ना वाला का मैंने अभी बताया उसके बारे में, और अब बता रही हूँ हल करने की विधि, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है कागज पर अंकित बिंदुमय, कागज पर अंकित बिंदुमय रेखा पर एक दर्पण की कल्पना करनी चाहिए, करनी चाहिए, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी, करनी चाहिए तथा उस आधे भाग के दर्पण प्रतिबिंब की कल्पना करनी चाहिए जिस भाग को मोड़ना हो। अब ध्यान से आप लोग पढ़े एक बार, ठीक है। आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए क्या लिखा गया है। कागज पर अंकित बिंदुमय रेखा पर एक दर्पण की कल्पना करनी चाहिए तथा उस आधे भाग के दर्पण प्रतिबिंब की कल्पना करनी चाहिए जिस भाग को मोड़ना है। यानी कि ये जो पेपर है हमारा, एक सादा सा पेपर मान लेते, एक स्क्वायर पेपर है, जब इसको मोड़ रहे हैं तो दर्पण की कल्पना कैसे करेंगे कि इस भाग में जो है उसके अपोजिट भाग में बिल्कुल उल्टा बनेगा वो वाला डिजाइन,
उस तरह से हम लोग कर सकते हैं जब हमारे पास पेपर ना हो और कटिंग ना कर सकते हैं, तो उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब को ध्यान में रख के हम लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें कहा जा रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा विधि जो है, तो नेक्स्ट विधि जो है हमारा, मैं इसको मिटा देती हूँ फिर मैं लिखती हूँ, ठीक है, आप लोग इसको साथ साथ नोट करते जाओ, मेरी क्लास में कॉपी लेके रखना और लिखते जाना, ठीक है, सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है जो बाद में जब क्वेश्चन बना हो आप काम देता है। ठीक है, नेक्स्ट विधि है कागज को मोड़ने के बाद वह आधा भाग दूसरे भाग पर चढ़ जाता है, वह आधा भाग दूसरे भाग पर चढ़ जाता है, कैसे वो भी मैं बताऊंगी, तथा अंकित डिजाइन तथा अंकित डिजाइन दर्पण प्रतिबिंब के रूप में शेष आधे भाग पर चला जाता है, शेष आधे भाग पर चला जाता है। फिर से आप लोग नोट कर लो और फिर ध्यान से पढ़ो, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो क्या लिखा गया इसमें। कागज को मोड़ने के बाद वह आधा भाग दूसरे भाग पर चढ़ जाता, यानी कि ये जो स्क्वायर सिंपल सा पेपर है जब हम इसको आधा फोल्ड कर रहे हैं तो ये वाला भाग जो है इस पे चढ़ जा रहा है ना, सेम चीज लिखा गया है, ठीक है, दूसरे भाग पर चढ़ जाता, फिर से हम लोग एक फोल्ड करें, अब ये वाला भाग इसके ऊपर चढ़ गया, सेम टू सेम, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब के रूप में शेष आधे भाग पर चला जाता है। और दर्पण प्रतिबिंब के रूप में यानी कि यहाँ पे हमारा दर्पण है और दर्पण में जब हम ये वस्तु को दिखाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, वो हम लोग दर्पण प्रतिबिंब कहलाएगा कि नहीं। अब मान लेते इसमें कोई डिजाइन, यहाँ पे मान लेते कट किया गया सर्कल, तो यहाँ पे जब कट सर्कल यहाँ कट किया गया तो पूरे में कट किया गया, सिर्फ यहाँ ने पूरा होल कर दिया गया जो आर से पार दिखाई दे, उसके बाद हम लोग पेपर फोल्ड को खोल के देखेंगे तब हम लोग को डिजाइन दिखेगा, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट हमारा विधि, और एक विधि बच जाता है जो मैं इसको मिटा के बता रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लो। तो नेक्स्ट विधि जो हम लोगों को दिया गया है इसमें लिखा गया, यदि कागज के आधे भाग को, यदि कागज के आधे, कागज के आधे भाग को बिंदुमय रेखा से मोड़ा जाता है, बिंदुमय रेखा से जोड़ा जाता है, तो मोड़े गए भाग में अंकित डिजाइन अंकित डिजाइन दूसरे भाग पर चला जाता है,
दूसरे भाग पर चला जाता है। यानी कि जैसे मैंने बता दिया है अभी लास्ट विधि में कि जब हम लोगों ने पेपर को एक दूसरे के ऊपर मोड़ा तो एक विधि हुआ हमारा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। अब डिजाइन को जब हम लोग कट यहाँ पे मान लेते हैं एक सर्कल कट किए, ठीक है, तो ये सर्कल कहाँ तक गया, सर्कल यहाँ तक आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो सर्कल हम लोगों ने कट किया तो पूरा यहाँ से आर पार चला जाएगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर भी कटिंग हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर भी यहाँ कट किए, यहाँ कट किए, यहाँ कट हुआ, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर कटिंग हो रहा है, यानी कि इसमें वही विधि बताया जा रहा है कि यदि कागज के आधे भाग को बिंदु में रेखा से जोड़ा जाता है तो मोड़े गए भाग में अंकित डिजाइन दूसरे भाग पर चला जाता है, ठीक है। यानी कि इस भाग में कट किया हुआ चीज इस भाग में भी कट हो रहा है और इस भाग में भी कट हो रहा है और इस भाग में भी कट हो रहा है, यानी कि कटिंग जो डिजाइन है वो सारे भाग में हो रहा है, ठीक है। तो यह था हमारा लास्ट विधि। अब आ जाते हैं एक उदाहरण पर कागज मोड़ने वाला का, ठीक है। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है वो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है। उदाहरण के लिए लिखा गया क्वेश्चन, उदाहरण एक और दो नीचे दिए गए प्रश्नों में एक वर्गाकार पारदर्शक कागज एक नमूने के चित्र के साथ दिया गया है। चार विकल्पों में से वह चित्र खोजे जो पारदर्शी कागज के को बीच की बिंदु में रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगा। तो सेम चीज अभी जो मैंने बताया कि क्वेश्चन में एक रेखा से मोड़ा जाता है, उसके बाद ऊपर में डिजाइन किया गया, अब उसके बाद कैसा डिजाइन बनेगा वो आप लोगों को बताना होगा चार ऑप्शंस में से, ठीक है। तो पहले उदाहरण एक जो है मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। तो जो प्रश्न चित्र हम लोगों को दिया गया है, मैं यहाँ पे प्रश्न चित्र बना रही हूँ, ठीक है। ये है हमारा प्रश्न चित्र। उसके बाद जो हम लोगों को ऑप्शंस दिया गया है वो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। चलो यहाँ पे विजिबल नहीं हो गए थे ऑप्शन नंबर 3, तो मैं ऑप्शन 3 यहाँ पे बना ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को विजिबल हो रहा है ना। चलो मैं कैमरा थोड़ा सा डाउन कर देती हूँ, अब हो रहा है विजिबल। तो ये है हमारा प्रश्न चित्र और जो ऑप्शन दिया गया है वो मैं बना रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन,
थर्ड ऑप्शन एंड द लास्ट वन फोर्थ ऑप्शन। वन टू थ्री एंड फोर, फोर ऑप्शन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक पेपर लिया गया, ठीक है, यहाँ पे एक पेपर लिया गया है, यहाँ पे एक पेपर लिया गया है, उसके बाद उसमें इस तरह से नोट किया गया है। चलो मैं एक बार अच्छे से आप लोगों को बताती हूँ, पहले यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें जो मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन किया है, इसको समझाने के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा और आपको समझने के लिए वक्त चाहिए होगा, क्योंकि बहुत इजी वाला नहीं है ये, थोड़ा सा आपको टफ है, जो कि अच्छे से समझोगे तभी समझ में आएगा। इसीलिए मैं इस जो क्वेश्चन को है, जो एग्जाम्पल को है, वो नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से क्लियरली समझाऊंगी। अभी इस क्लास में आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि जितना भी मैंने बताया पहले आप लोग उसको प्रैक्टिस करो और फिर इस पे ध्यान देना, ठीक है। तो पहले विधि को ध्यान से पढ़ो, परिचय जो मैंने बताया उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के साथ डील करूंगी, अच्छे से बताऊंगी सारे विस्तार से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जरूर देखना और फिलहाल इस क्लास तक प्रैक्टिस करो। थैंक यू।